इसलिए मैं आपसे सब मैं, मैं मैं इन्जॉय uh, नहीं करता उस प्लेस मेरे बड़े दोस्त हैं जब बोलते हैं यार चल तू पार्टी तो मैं क्योंकि आई डोंट डोंट ड्रिंक आई स्मोक तो मुझे लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील करता हूँ uh, पर जो लोग करते हैं वो आई I मीन mean, ऐसा नहीं कुछ पार्टीज होती है तो गलत कुछ करते हैं ऐसा नहीं आई थिंक दे एंजॉय सब एक दूसरे को जानते हैं सो दे फील नाइस एंड ऑल बट डिपेंड करता है कि कौन कैसा कहाँ पे कैसा करते हैं हर आप किस दुनिया में कंफर्टेबल uh, फील करते हो पर ऐसी दुनिया बड़ी है अलग अलग तरह की दुनिया पार्टी की अगर आप बात करें तो एक तरह की पार्टीज नहीं है अलग दुनिया की पार्टी है okay. और वो जहाँ पे हैं वो बस वैसे ही लोग रहते हैं पर जब वो देखेंगे कि कोई आउट ऑफ प्लेस बंदा इस दुनिया को नहीं बिलोंग करता तो आप उसमें इन्वाइटेड भी नहीं होते हो सो दे नो कि ए फॉर एप्पल कितने लोगों को बोलना आएगा तो उन्ही को बुलाया जाता है आपको कभी वो आउट ऑफ प्लेस वाली फीलिंग मेरे को बड़ी दफा होती है अभी भी अभी भी होती है मेरे को अवार्ड बड़े मुश्किल लगते हैं जाना मैं थोड़ा सा मैं मुझे याद है कि अभी बीच में मुझे किसी ने कोई अवार्ड के लिए मुझे बुलाया था दे वांटेड टू तो गिव एन अवार्ड और खूब ताम झाम था वहाँ पर तो मुझे बड़ा आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा मेरा यार कोई मेरी जगह पे किसी से रिसीव करवा लो और भेज देना यार घर पे मैं वाइट वाइट बना के भेज दूँगा मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है आम, पहले भी लगता था पर अभी तो बड़ा मुश्किल है मुझे कोई अगर जितने अवार्ड शो होते हैं मुझे बोले कि आके आना है तो मुझे लगता है कि मैं उस दुनिया में खो जाता हूँ मुझे लगता है कि मेरी दुनिया नहीं है आप बहुत रियल इंसान मैं रियल मैं। फीलिंग फील हो रही है आपको लगता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग आपसे जलते हैं क्योंकि आपको जनता का प्यार मिल रहा है देखो कहीं ना कहीं आ, असर जरूर होता होगा ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि मैं कई एक्टर्स के साथ कभी बैठा हूं और बैठा हूँ और पब्लिक जो इतनी सारी होती है वहाँ पे वो किसी ने बोला कि यार आप ने मेरी मदर का लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराया कैंसर की सर्जरी कराई सर छः महीने के आपके यहाँ से राशन आ रहा है सर बच्चों को पढ़ाए तो ऐसा कई बार बड़े सास के साथ भी मेरे को एक्टर्स के साथ हुआ है तो आ, मैंने देखा है उनको सडनली अनकम्फर्टेबल होते हुए और आ, फिर अचानक थोड़ा सा टॉपिक बदल के थोड़ा सा और क्या हो रहा है सब बढ़िया अच्छा अच्छा करके निकलने की कोशिश की जाती है विच इज़ फाइन आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई अगर आपने अच्छा काम किया है तो किसी के कंधे पे आप थापी दे दो कि यार अच्छा काम कर रहे हैं यार लगा रहना सो so, उससे आप छोटे नहीं होते हो सो so, बड़ा मुश्किल होता है कि आ, कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करना है या उसे सिर्फ अलग से कोने में बताता है ऐसा है नहीं कि आपको अनाउंस करना है कि बॉस मेरे साथ भाई ये देखो ये बंदा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सब ताली बजा दो ऐसा कोई जरूरत नहीं अलग से कोने में जाके भी आप कंधे में आते बस वास लगाओ वैसे लगे रहना बस बहुत बड़ी बात होती है वो कोई करता नहीं ईजी नहीं है बहुत मुश्किल है मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा बट आप कम अक्रॉस तो उस पीपल की जहाँ पे हुआ है मुझे आज तक याद है कि मेरा एक साउथ में टेंपल वेम्पल बना था एक सिद्धी पेट में हैदराबाद में काफ़ी बड़ा टेंपल उन्होंने बनाया और वो करते थे मैं उनको बोलता है यार की मत करो ऐसा बट तो अभी भी है और वो करते हैं तो मेरे डायरेक्टर बैठे थे एंड यू वॉज वॉचिंग द न्यूज बी बी पे था कुछ वीडियो चल रहा था कि टेम्पल है बड़े सारे लोग थे सो उनकी वजह मतलब वो डायरेक्टर बैठे देख रहे थे मैं भी वहाँ था तो कहता था अरे सोनू यार बड़ा अच्छा तूने किया ऐसा है इतनी देर हमारे दे जो को एक्टर थे वो भी थोड़े से चलते चलते आगे वहाँ पे उन्होंने देखा क्या देख रहे हो बॉस ऐसा तो बोला अरे देखो सोनू के टेम्पल है वहाँ पे देखो न्यूज़ कर रहा है कितना अच्छी बड़ी बात है तो मैं भी सामने खड़ा हूँ डायरेक्टर खड़े हैं और देख रहे हैं तो उन्होंने देखा

के टेम्पल्स बना रहे uh, बड़ा और लगता सही पीछे मैं बड़ा अजीब साहब मेरे अभी बोलते हैं कि सर आप आइए तो सी हमने इतना पूरा गांव आपका वेट कर रहा है वहाँ टेम्पल बनाया बड़ा तो बोलता है यार आम इंसान हो यार वैसे ही रहने तो भाई कहाँ मैं आऊँगा अपना देखने के लिए जैसे नहीं नहीं सर यू है कि क्या लोगों की फीलिंग्स है आपके लिए यू नो आपने इतने लोगों की वहाँ जान बचाई उन गाँवों के अंदर ये सब सो आई मिस पेरेंट्स मोर मुझे लगता है कि यार शायद वो होती तो शायद उनको अच्छा लगता है यार। बेटा सही कर रहा है यार करने गया तो कुछ लाइफ जिंदगी में आ, पंजाब से तो सही जा रहा है बट आई थिंक उन्हीं की ब्लेसिंग से है जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में एंड आई थिंक दे दे आर दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड देख के उनको लग रहा होगा ठीक ही कर रहा है hmm. यार आप ठीक नहीं अच्छा <laughs> कर रहा हो बहुत अच्छा कर रहे हो सर लाइक वी आर नो वन टू वैलिडेट यू पर uh, आप आप एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर करो ऐसी सब चीजें करने को लाइक वॉट एज बिकम गोल फॉर लॉट ऑफ यंग पीपल, इंक्लूडिंग असर मतलब uh, आपके काम को देख के वी गॉट मोटिवेशन टू फास्ट फॉरवर्ड आज